नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे नादिर शाह का खजाना के बारे में। 1739 में नादिर शाह ने भारत पर हमला कर दिल्ली में खूब लूटपाट की थी। कहते हैं कि लूटे गए खजाने में मयूर तख्त और कोहिनूर के साथ ही लाखों की संख्या में सोने के सिक्के और जवाहरात ले गया था। कहते हैं कि खजाना इस भारी मात्रा में था कि वह संपूर्ण खजाने पर नजर नहीं रख पा रहा था और इतने सारे खजाने को ले जाना भी कठिन था। ऐसे में उसके पास अलारों ने इस खजाने का एक हिस्सा हिंदूकुश पर्वत की किसी गुफा में कहीं छिपा दिया था, जो आज तक नहीं मिला। पहले सिकंदर आया था, फिर चंगेज खान। इसके बाद भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारी हावी होते गए, मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद मुस्लिम आक्रमणकारियों और लुटेरे की फौज भारत में घुसी और भारत को तहस नहस कर लूट ले गए। कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर का मोहम्मद गजनवी ने लूटा था, उसमें ढेर सारा सोना था। बाबर भी यहाँ लूटने ही आया था। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मुगल लुटेरे थे या वह अच्छे थे? कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।